शाहरुख खान की फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कल रात कुछ ऐसा ही हुआ खुद उनकी ही टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, जहां उनके बाजीगर बने आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल की धमाकेदार पारी की मदद से विराट कोहली को लगातार पांचवें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस अहम मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट और एबी के प्रदर्शन से विशाल 205 रन बनाए, लेकिन इसके जवाब में केकेआर की टीम ने आखिर के चार ओवरों में ऐसी बल्लेबाजी की कि फिर आरसीबी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस मुकाबले के अंदर विस्फोटक पारी के साथ साथ कई दिलचस्प रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स भी देखने को मिले, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। कल रात आरसीबी के जीत के हीरो रहे आंद्रे रसेल ने दूसरे सबसे तेज स्ट्राइक रेट से पारी खेली। उन्होंने महज 13 गेंदों पर लगभग 370 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए। आंद्रे रसेल ने अब तक आईपीएल 2019 में 207 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही वो सबसे अधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए। कल रात आरसीबी की टीम ने एक बार फिर 206 रनों के लक्ष्य को चेस करवा दिया। ये तीसरा मौका है जब विराट की टीम ने 206 रन गवाए हों। इससे पहले सीएसके ने साल 2012 और 2018 में भी इसी लक्ष्य को हासिल किया था। आईपीएल सीजन 12 में आरसीबी की टीम ने लगातार पांचवी हार दर्ज कर ली। अब अगर आरसीबी एक और मैच हार जाती है तो वो एक सीजन की शुरुआत में सबसे अधिक बार हार के दिल्ली डेयर डेविल्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा। कल रात विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने धुआंधार पारियां खेली। ये नौवां मौका था जब इन दोनों बल्लेबाजों ने एक साथ एक पारी में 50 रन बनाए। इसमें से 6 बार टीम को जीत मिली है जबकि 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली सुरेश रैना को पीछे छोड़ आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम आईपीएल में 5110 रन हो गए जबकि रैना के अभी 5086 रन है। कल रात के अहम मुकाबले में आरसीबी को हार देखी, लेकिन आज दो महामुकाबले खेले जाने वाले। पहले मैच में जहां दो किंग्स आपस में भिड़ेंगे, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब, वहीं दूसरे मैच में मुंबई का सामना होगा हैदराबाद से। क्रिकेट की ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए wcricket.com, साथ ही साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।